हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अपने रेस्टोरेंट के सॉफ्टवेयर में आपको बताऊंगा कि हमारी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ है इसमें। सारा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा और इसको मैं पूरा आपको पूरा वीडियो में आपको सिर्फ उनके मेन मेन हेडिंग्स दिखाऊंगा और पूरा आपको मैं बिलिंग करना ज़रूर बताऊंगा। बाकी जो आपकी हमारी मेन हेडिंग्स हैं उनकी, वो आपको मैं सिर्फ हेडिंग्स ही दिखाऊंगा आपको। सो आप इसको स्टेप बाय स्टेप देखिए, जिसमें हमारा पूरा रेस्टोरेंट का सॉफ्टवेयर पूरा बताया गया कि जिसमें आपका पूरा सॉफ्टवेयर आपका रेस्टोरेंट मैनेज होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे यहाँ से लॉगिन फैसिलिटी 1 2 3 4 सिंपल हमने रखा हुआ है। हमने यहाँ पे दो ऑफिसेज हैं, एक बैक ऑफिस एक फ्रंट ऑफिस। बैक ऑफिस मीन्स टू से कि जहाँ पे आपको बैक ऑफ एंट्रीज डालनी होती है, जैसे सपोज कीजिए आप परचेज एंट्रीज डाल रहे हो, अपने न्यू मेनू आइटम्स ऐड करना है, स्टॉक की एंट्री करनी है, रेसिपी मैनेज करना है, ये जो सारा काम होता है ये बैक ऑफिस का होता है। फ्रंट ऑफिस में तो सिर्फ क्या होता है कि ओनली सिर्फ बिलिंग का काम होता है। तो मैं आपको बैक ऑफिस का भी सारा व्यू दिखाता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा बैक ऑफिस का ये व्यू आप देख सकते हैं, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप दिख रहा कि रेस्टोरेंट इन्फो, आपकी रेस्टोरेंट की इन्फॉर्मेशन, सेटिंग्स आपकी, प्रिंटर्स, किचन। किचन की इसमें फैसिलिटी, जैसे अगर आपके पास दो किचन या तीन किचन्स भी है, तो अगर तीन किचन्स में भी आपके प्रिंटर लगे हुए हैं तो आप तीनों किचन के जो जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्यूटी कौन सी आइटम की कहाँ कटे, वो आप सेलेक्ट ऑन कर सकते हैं। उसके बाद आप कैटेगरीज, मेनू आइटम की सारी लिस्ट आपको यहाँ पे A to Z क्या है, क्या रेट है सारा, स्टॉक आइटम, टेबल्स आप यहाँ पे अनलिमिटेड क्रिएट कर सकते हैं, डाटाबेस, कार्ड से पेमेंट, वेयर हाउस सिस्टम, रॉ मटेरियल, सप्लायर्स की डिटेल्स, क्रेडिट, परचेज एंट्री, पेमेंट्स आप ले रहे हो दे रहे हो आपका अपने सप्लायर्स को, कस्टमर एक्सपेंस, वाउचर एंट्रीज, वर्क पीरियड, POS रिपोर्ट आपको, अकाउंटिंग की रिपोर्ट, एंड मेन आपकी सारी रेसिपी भी यहाँ पे मैनेज हो जाएगी। हमारे इसमें SMS की फैसिलिटी, ये सारा हमारा बैक ऑफिस का काम है जो कि आपको हमारे सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी प्रोवाइड किया गया, ये सारे फंक्शंस। अब मैं आपको अगले स्टेप में लेके आता हूँ फ्रंट ऑफिस में, जहाँ पे हमारी सारी बिलिंग होती है। तो आप देखेंगे हमारा फ्रंट ऑफिस कितना इजी बनाया हुआ है हमने, कि हर बंदा इजी वे में इवन ए 10th क्लास पास भी आराम से बिलिंग कर सकता है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे वर्क पीरियड स्टार्ट दिया है। वर्क पीरियड स्टार्ट मीन्स टू से कि जब से आपका, सपोज कीजिए कि आपके पास तीन एम्प्लॉय अलग अलग टाइम पे आपके पास काम करते हैं, तो यहाँ पे जो भी जब भी लॉग इन करेगा वो अपना वर्क पीरियड स्टार्ट करेगा और एंड करके जाएगा। एंड तभी होगा जब उसके सारे बिल बने होंगे। उसके बाद हमारा यहाँ पे POS सिस्टम, ये हमारा सिंपल है, जिसमें हमारा डाइनिंग बिलिंग का मतलब होता है ये हमारे आपके रेस्टोरेंट में जो कि हमारे टेबल सिस्टम आप रखते हो उसके लिए फैसिलिटी। जैसे सपोज मैंने डाइनिंग का एक टेबल का बिल काटना है, जो हमारे पास फुल रहेंगे टेबल्स वो रेड हो जाएंगे, जो खाली रहेंगे वो हमारे ग्रीन हो जाएंगे। सपोज मैंने T5 टेबल सेलेक्ट किया और बेवरेजेस पे क्लिक किया, टच से जस्ट क्लिक करते गए, उसके बाद मैंने पिज़्ज़ा देना है एक मीडियम, और जस्ट मैंने सिंपल अगर मैंने कुछ इसमें टिकट्स डालने हैं या कुछ भी वो भी कर सकते हैं, प्रिंट जस्ट हम सेव एंड प्रिंट, हमारा KOT प्रिंट होके सिंप सीधा वो जाके हमारे किचन में चला जाएगा। मैं आपको KOT की प्रिंट भी प्रीव्यू भी दिखा देता हूँ, ये देखिए सिंपल वे आपका प्रिंटर में वहाँ पे प्रिंट हुआ, आपका शेफ ने प्रिंट निकाला और खाना बनाना शुरू कर दिया, ये हमारा KOT हो गया। उसके बाद हमारा, हमने सपोज कीजिए इसी टेबल का हमने बिल भी बनाना है, जैसे मैंने एक पहले ही बनाया था, एक अब भी T5 मैंने टेबल का जस्ट सेलेक्ट किया सारी एंट्री। अब आप कैश से ले रहे हो, सपोज कार्ड से ले रहे हो तो कार्ड से सेलेक्ट कर लो, अगर रॉयल्टी कार्ड आपने बना रखे अपने कस्टमर के लिए तो उससे भी कर सकते हो, ठीक है। सपोज मैंने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ली, जस्ट सिंपल और सेव प्लस प्रिंट, अब दो बिल इकट्ठे, दो टेबल का बिल भी इकट्ठा बना सकते हो। अब जैसे मैंने, ये देखिए मैंने बिल बना दिया, मैं आपको बिल का प्रिव्यू भी दिखा देता हूँ, विद इन सेकेंड आपको सारा कुछ, ये देखिए हर चीज़ आपको लिखी हुई आ गई, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव दोनों है, अगर आप GST लगाना चाहते हो आइटम पे वो भी है, अगर नहीं लगाना चाहते हो तो वो भी फैसिलिटी हमारे पास, दोनों ही फैसिलिटी है। ये हमारा बिल फॉर्मेट हो गया। इसी तरह हमने और भी, जैसे टेक अवे, जैसे बंदा आया फटाफट उसने पैक कराया और लेके चला गया, वो भी हमारे पास है, ये देखिए यहाँ पे इसने तुरंत पूछ लिया कैश डाल दीजिए, मैंने कैश डाला और सेव प्लस प्रिंट किया, ये देखिए तुरंत आपका बिल बाहर आ गया। मैं आपको टेक अवे का भी फॉर्मेट दिखा देता हूँ, ये देखिए
विद इन 5 सेकेंड्स आप कोई भी 5-10 आइटम की बिल आराम से बना सकते हैं। आपने ये बिल फॉर्मेट जैसे भी आपने अपना मॉडिफाई कराना है, लोगो लगाना है, वो चीज़ हम आपको सारा करके देंगे आपका। उसके बाद आपका होम डिलीवरी, होम डिलीवरी में पूरी डिटेल, आप जो भी एम्प्लॉय है आपका, वो कौन लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स, कस्टमर का नेम, एड्रेस, ये सारे डिटेल्स हो जाएंगे। डिलीवरी एक्सप्रेस चार्ज, एक्सप्रेस बिलिंग भी यहाँ पे है। जैसे सपोज आपने एक्सप्रेस बिलिंग करनी है, जस्ट कुछ इसमें स्मॉल ने जस्ट कैश आपने डाला, कैश ले रहे हो या सपोज कर लो कार्ड से पेमेंट ले रहे हो, ठीक है, जस्ट सेव एंड प्रिंट। 134 मैंने एग्जांपल डाल दिया, बिल नंबर आपके सामने 130, 1 सेकंड में बिल दे रखी, प्रिंट होके आ गया सारी डिटेल। बिल फॉर्मेट जो भी डिज़ाइन चाहिए, लोगो लगाना है, वो सारा हम आपको लगा के देंगे। ये हमारा मेन बिलिंग पॉइंट है। विद इन टच सिस्टम एज वेल एंड नॉन टच सिस्टम, कीबोर्ड माउस से भी काम कर सकता है। आप अपने टच POS पे ही बेल फास्ट, एकदम फास्ट है आपका, विद इन 10 सेकेंड आपके 2-3 बिल भी निकाल सकते हो, जैसे आपकी प्रैक्टिस रहेगी आपके PC के ऊपर। उसके बाद आप यहाँ पे देखिए वर्ग, आपका टिकट, जो भी आपके बिल नहीं बने होंगे यहाँ पे आपको दिखाई पड़े, ये देखिए आपका ये बिल नहीं बना हुआ। जब तक आप इन बिल को नहीं बनाएंगे तब तक आप उनको क्या करके टाइम आउट नहीं कर पाएंगे। मैंने जैसे सपोज ये देखिए T3 का बिल बनाया, इसे कैश और कार्ड से सेलेक्ट करने का हमें शाम को पता लग जाएगा कि हमने कितना कैश पेमेंट ली है और कितना कार्ड से पेमेंट ली हुई है। ये सारी डिटेल हमें सारा कुछ शो हो जाएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं इजी वे में बिल का फॉर्मेट, बिल आप कोई भी आप डिज़ाइन करवा सकते हैं। अब जैसे मैंने सारा बिल कंप्लीट कर लिया अपने सारे, अब यहाँ पे टिकट देखिए कोई नहीं दिख रहा, सभी बिल बन गए हैं। अब यहाँ पे वर्क पीरियड आप एंड करना चाहते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये देखिए जब तक आपके बिल नहीं बने होंगे तब तक आपको नहीं कर पाएंगे। अब POS रिपोर्ट निकालनी है, आज के दिन आपने कितनी बिलिंग की, ये देखिए विद इन 1 क्लिक आपके सामने सारी बिलिंग आ गई। ये देखिए क्या क्या बेचा, क्या क्या किया हुआ, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। आप अपने मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं, प्रिंट भी ले सकते हैं, सारा कुछ यहाँ से आपको मिल जाएगा। हर तरह का टेक अवे, KOT, कोई कैंसिल KOT, सारी रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। इस तरह से हमारा बिल्कुल सिंपल एंड यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है हमारा, आपके पूरे रेस्टोरेंट को पूरा डिजिटल कर देगा। इसमें हमारे वेटर्स के लिए एंड्रॉयड एज वेल एज विंडोज़ ऐप भी है, कि वेटर वेटर आपका वहीं पे टेबल पे ऑर्डर लेगा, KOT काटेगा, सीधा KOT आपके किचन में कटेगी, जस्ट बिल आपका जो है वो मेन PC पे बनेगा। इस तरह हमारे पास फीडबैक भी है। सो आप हमारे सारी डिटेल्स, आपको सॉफ्टवेयर लेने के लिए आप हमारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।